छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नौजवानों से किए गए वायदे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए जाने के विरोध में 24 अगस्त को रायपुर में आक्रोश प्रदर्शन किए जाने को लेकर दुर्ग भाजपा कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनांदगांव सांसद ने पत्रकारों से चर्चा कर अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में नौजवान बेरोजगार युवाओं से 2500 बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की बात को लेकर इसमें अब तक अमल नहीं किए जाने से आक्रोशित भाजपाइयों ने आगामी 24 अगस्त को बड़ी संख्या में आक्रोशित होकर रायपुर मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर अपना विरोध प्रकट करेंगे। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग के भाजपा कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत की गई, जिसमें पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता का वादा करने के बाद भी अब तक 10 लाख युवाओं को नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए राजनांदगांव संसद में भी भूपेश बघेल के द्वारा प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात पर सिर्फ रोजगार के होर्डिंग्स लगाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कॉन्फ्रेंस में पहुंचे भाजपा नेताओं ने कांग्रेस की सरकार को झूठी सरकार बताकर भाजपा शासन में स्वीकृत 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अब तक अधूरा रखा जाने की बात कही। गौरतलब है कि इस संदर्भ में भाजपा युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष व बेंगलोर सांसद तेजस्वी सूर्या के रायपुर आगमन पर मुख्यमंत्री निवास घेराव कर आगामी 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में होने वाले सीएम हाउस रायपुर का घेराव पर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जिसमें दुर्ग संभाग से लगभग 20,000 से भी ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल होंगे। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे व राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सारे जगह से अपने कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे जिला मंडल और जो उसके जो नीचे की इकाइयाँ हैं, सब इकाई इसमें लगी है और सारे कार्यकर्ता। ये आश्चर्य है कि 3.5 साल के बाद, 4 साल के बाद गृह मंत्री जी को अब पता लग रहा है। मतलब या तो उन्होंने जो कहा कि जनता के द्वारा पता लगा, तो इसके पहले जनता उनके पास नहीं जाती थी, या जाती थी तो जो बताती थी वो नहीं जान पाते थे। और इससे एक बात तो तय हो गया कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से और पूरे जगह पर अपराध बढ़े हैं। जब गृह मंत्री बता रहे हैं कि सट्टा जुआ लोहा चोरी ड्रग माफिया ये सब हैं और नाम सही तो बता रहे हैं, तब इससे बड़ी बात क्या होती है। छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ भूपेश बघेल ने छल करने का काम किया है, सबको ठगा है। और जो बेरोजगारों को, नवयुवकों को, तरुणों को जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किए थे, वो इन्होंने वादा खिलाफी किया है। इसके लिए सभी युवा आने वाले 24 तारीख को और नगर निगम रायपुर में विराट प्रदर्शन करेंगे और भूपेश बघेल सरकार के विरोध में, और ये शुरुआत हो रही है, ये आगाज है। हमारे दुर्ग से भी, क्षेत्र से भी सभी लोग जाएंगे, चाहे वो खेल में हो, स्पर्धा में हो, खिलाड़ियों को नौकरी नहीं और बाकी चीज़ें छोड़ दिया जाए, यहाँ की जवानी को, यहाँ की करुणाई को नशे में धकेलने का काम पूरे प्रदेश में आज नशे की चपेट में है। यहाँ के युवा, वैसे सभी युवा वहाँ जाकर के प्रदर्शन करेंगे और अपना हक मांगेंगे। ये जो इसमें हजारों की संख्या में जाएंगे, इसमें कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा और हमारे भिलाई, दुर्ग सभी जिले से हैं और हजारों की संख्या में जाएंगे, संख्या अच्छी रहेगी, विराट प्रदर्शन। ये नशे के विषय में शराबबंदी की बात किसने की थी? आज जिस प्रकार से ये कॉरिडोर बन गया है गांजा का और जितने भी सब प्रकार के व्यवसायों का, ये पहली बार भूपेश सरकार में बना है, जो महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, सब प्रकार से इसी रास्ते से होकर के गुजरता है और इसमें सहयोग दे रही है ये सरकार। और इसमें जो है दारू सरकार का अलग बिकता है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का लेवल वाला दारू अलग बिकता है, क्या इसको आप नहीं जानते? सब जानते हैं कि उनका टैक्स, उनकी सब प्रकार की बिक्री अलग होती है। दारू से सरकार नहीं चलेगी, दारू से जवानी
हो रही है हमारी छत्तीसगढ़, और इसी को बचाने के लिए, तरुणाई को बचाने के लिए तरुणों ने आंदोलन किया है, जो विराट आंदोलन है। आप में वो कंट्रोल करने की क्षमता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ की जवानी, यहाँ की तरुणाई बचे, इसके लिए आंदोलन, विराट आंदोलन होगा। आप सब ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।